नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। हम इस वीडियो में खास पेशकश लेके आए हैं, खास इसलिए क्योंकि इन दिनों एक विषय विश्व स्तर पे ग्लोबली चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, कोरोना वायरस। तो ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना भयावह है, क्यों इसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं और खास करके जो है इसने कोहराम मचा रखा है कैसे, और ग्रेटर नोएडा का भी कुछ ना कुछ अब संबंध आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ऑटो एक्सपो के कारण। जी हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो कहा जा रहा है, इसका ओरिजिन जो है चाइना है, चाइना से ये शुरू हुआ है। और ऑटो एक्सपो जो हम इसमें 20% जो पवेलियन था उसे चाइनीज कंपनी ने बुक कराया था। 40 चाइनीज लोग यहाँ आ चुके हैं, अन्य लोगों ने जैसे कि खबर आ रही है आना रद्द करा दिया है। गवर्नमेंट ने भी ई वीजा जो होता है वो कैंसिल किया है कई चाइनीज का, और जो लोग चाइना से आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ हिदायतें हैं। ये सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एनके सोनी हैं, जो यथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं, और इनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। डॉक्टर सोनी, आपका स्वागत है ग्रेनो न्यूज में। तो इस पे प्रकाश डालिए, आखिर ये कोरोना वायरस है क्यों, क्यों ये इतना खतरनाक बताया जा रहा है? देखिए, कोरोना वायरस एक नॉर्मल नजले जुकाम में होने वाला वायरस है। ये कोरोना वायरस कभी भी कई बार बहुत इतना भयानक नहीं होता। इसमें एक ये हुआ है कि ये नोवेल कोरोना वायरस जो इस वर्ष चाइना से वुहान प्रांत से जो बना है, इसने बहुत अधिक मात्रा में अपना शरीर में, अपने अंग में, अपने पूरी जीवन शैली में एक बदलाव किया है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन के द्वारा ये वायरस, जिसको के नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, ये बहुत संक्रामक हो गया है, संक्रामक रूप ले लिया है। और इस संक्रामकता के कारण जहां पर, वैसे ही हमें मालूम है कि चाइना में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ऐसी जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये वायरस हवा के द्वारा बहुत तेजी से फैला है। और इसमें फैलने का इसका नजला जुकाम खांसी के द्वारा, खांसने से जो वातावरण में इसके कीटाणु जाते हैं वो फिर सांस द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां संक्रामकत्व ज्यादा फैलाते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये फैलता है तो इसके लक्षण जो रहते हैं वो लक्षण मेनली यही रहते हैं कि मरीज में एकदम से बुखार, जाड़ा लग के बुखार बहुत तेजी से आता है, नजला जुकाम खांसी, गले में दर्द, ये मुख्य लक्षण है। साथ ही साथ शरीर में और सर में दर्द बहुत तेज रहता है, बुखार 102-103 तक जाता है। अगर ये लक्षण कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में ही एकदम से उत्पन्न हो, तो ऐसे में सलाह ये रहती है कि डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए। जो ये इसका संक्रामक रोग फैलता है वो एक तो नजले जुकाम खांसी से और वातावरण में उस प्रदूषण होने से फैलता है, हाथ द्वारा भी फैलता है, कई बार आंखों के द्वारा भी जो है ये फैलता है। मतलब इतना खतरनाक है कि मतलब आंख और हाथ मिलाने पे भी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में हम लोगों की सलाह ये रहती है कि अगर कहीं जरा से भी लक्षण नजले जुकाम बुखार के हों तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और इसमें मास्क पहनना या रुमाल से छींके वगैरह अगर हों तो रुमाल से मुंह को ढक के रखें, हाथों को अच्छी तरह से 10-15 सेकंड के लिए
साबुन से धोएं तभी अल्पाहार करें या खाना भोजन लें, और अधिक भीड़ वाले स्थान में थोड़ा ना जाएं। ये तीन चार चीजें जरूर इसमें ध्यान देने योग्य हैं। ये नहीं है कि इस संक्रामकता से बहुत अधिक सीरियसनेस होके सिर्फ मृत्यु हुई है, इसका इलाज भी संभव है अगर डॉक्टर से सलाह ली जाए, बुखार का इलाज लिया जाए। अपने आप इलाज ना लें, कम से कम ये जरूर मैं राय देना चाहूंगा कि अपने आप सिर्फ बुखार की गोलियां और ये सब ना खाएं, इसका इलाज संभव है। और ऐसे में ये आप अगर संख्या वाइज देखेंगे तो चाइना में कितने हजार लोगों को हुआ और मृत्यु कुछ सौ की है, तो अगर वो उसमें परसेंटेज निकालें तो इसकी परसेंटेज 3-4% आती है। ये बिल्कुल ये है कि चिंता का विषय है, लेकिन सावधानी रखना इसमें अत्यंत आवश्यक है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर थोड़ी सी इसमें जागरूकता रखी जाए तो ये इलाज संभव है। इसी तरह से कुछ साल पहले भी सार्स कोरोना वायरस का इतना संक्रमण हुआ था और उसमें मृत्यु दर 10% से ऊपर थी। तो ये इस नियो कोरोना वायरस की वजह से बहुत अधिक संख्या में लोग प्रभावित हैं, इसलिए इसकी वजह से थोड़ा भयानक वातावरण जरूर उसमें बन गया है। लेकिन अगर सावधानी रख के, सफाई रख के, मास्क का प्रयोग करके और हाथों को अच्छी तरह से स्वच्छ रख के सावधानी बरती जाए तो ये इसका भी इलाज पूरी तरह से संभव है, जिसमें आदमी आगे स्वस्थ रह सकता है। एक दो चीजें और बताना चाहूंगा इस संबंध में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में ये माना जाता है कि जब संक्रमण किसी व्यक्ति में आया उसके बाद तुरंत उसमें सिम्टम्स नहीं आ जाते, लक्षण नहीं आ जाते, उस लक्षण को आने में 10 से 14 दिन तक लग सकते हैं। तो इसलिए करीब 10 दिन का हम 10 से 14 दिन का इसमें इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, जिसमें के वायरस का संक्रमण होने के बाद सिम्टम्स लक्षण आने में, नजले जुकाम बुखार के लक्षण आने में समय लग सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि इस इंक्यूबेशन पीरियड में जिस व्यक्ति में यह संक्रमण हो वो किसी और को ये रोग फैला सकता है, जबकि उसे अपने आप नहीं मालूम होता कि मेरे अंदर ये संक्रमण है कि नहीं है। इसीलिए ये राय और ये सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि ऐसे में किसी को भी नजला जुकाम बुखार हो, आप में बदन दर्द या बुखार के लक्षण हो या नजले के लक्षण हो, तो कम से कम भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, जिससे कि आप अपने आप से किसी और को वो लक्षण, वो संक्रमण ना दे सकें। और जब भी कहीं खांसी, नजला जुकाम, छींक वगैरह हो, मुंह को अच्छी तरह से ढक के तब उसमें जो है चला करें, ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जी, एक प्रश्न और करना चाहूंगा। ओवरऑल आपने बहुत अच्छा इस पर पूरा ओवरव्यू दिया और बताया, जानकारी दी। एक मास्क की बात आती है, तो मास्क पे तरह तरह के कंफ्यूजन होते हैं, तो कौन सा मास्क बेटर होता है? देखिए, जो इसके लिए मेडिकल साइंस में रिकमेंडेड है वो N95 वाला मास्क रिकमेंडेड है। N95 वाले मास्क की परतें ऐसी रहती हैं जिसमें से के वायरस के संक्रमण बाहर ना जा सकें। सावधानी ये रखनी होती है कि ये मास्क जब आप पहने तो उसमें नाक का हिस्सा भी पूरा ढका हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। कई लोग मास्क पहनते हैं और नाक से, क्योंकि सांस लेने में, मास्क पहनने में थोड़ी असुविधा जरूर होती है, तो वो मास्क को नीचे कर लेते हैं, नाक का हिस्सा खुला रहता है, मुंह का सिर्फ ढका रहता है, तो कायदे में वो सही तरीका नहीं है।
नाक का हिस्सा भी ढकना चाहिए, मुंह का हिस्सा भी ढकना चाहिए। N95 मास्क सबसे उपयोगी है, लेकिन अगर N95 मास्क नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार इसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो जो सर्जिकल मास्क हैं उसको भी आप पहन के, उसमें भी जो परतें हैं वो परतें अंदर की तरफ ना हो, वो परतें बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ उसका स्मूथ पार्ट हो, उसका जो बिल्कुल प्लेन सतह है वो अंदर की तरफ हो और नाक और मुंह दोनों ढका हो, ये आवश्यक है। कम से कम आपको उपयोग जरूर रखना चाहिए, लेकिन जो मेडिकली रिकमेंडेड है वो N95 है, जिसमें इतनी पारदर्शिता नहीं होती कि वो उससे संक्रमण बाहर निकल सके। जी डॉक्टर सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर NK सोनी, यथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटर मेडिसिन के आप जो है विभागाध्यक्ष हैं, और आप प्रकाश डाल रहे थे कोरोना वायरस, जो आज के समय में विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। ये आपने इसके बारे में बताया, खास करके आप अगर एक बार फिर इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से जरूर देखें, इसके लक्षण आप समझें, और अगर कुछ वैसा मैचिंग हो रहा है तो तुरंत आप जो है अपने नज़दीकी अस्पताल चिकित्सक से संपर्क करें। एक नंबर भी इस वीडियो के साथ अभी फ्लैश हो रहा है जो यह है, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मास्क के बारे में भी डॉक्टर सोनी ने प्रकाश डाला कि किस तरह का मास्क आप ले सकते हैं और किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डॉक्टर सोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक जरूर करें, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।